और जो सभी संत महात्मा पधारे उनका आशीर्वाद हमें तहे दिल से मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। देने को संत महात्मा आपको दे रहे हैं और जैसा कि मुझे आदेश मिला कि भाई मैं भी मेरी वाणी से कुछ सेवा कर दूं। आदमी अभी महाराज जो करकेड़ी वालों ने बताया कि जो आदमी सेवा करता उससे महान। सबसे पहले तो कर्णपुरी जी महाराज की जय बोलेंगे और जैसा मुझे हुक्म मिल गया भाई 5-7 मिनट ही ज्यादा, 5-7 मिनट बाद में तो कुछ कह ही नहीं सकता आदमी, दो बात कहेगा तब तक मिनट हो जाता है, लेकिन जैसा हुक्म मिला पालन करना पड़ेगा। कर्णपुर जी महाराज की तहे दिल से जय बोलने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी संत महात्मा ज्ञानी और जो पहले हो चुके हैं महापुरुष वो सभी एक ही बात कहते हैं, और वो एक बात जो आदमी सीख जाता है, जान लेता है, पहचान लेता है, फिर उसको किसी बात का दुख नहीं होता। और वो कौन सा बात है, कौन सी चीज है, वो है ज्ञान की बात। जिसमें ज्ञान आ गया तो फिर उसको किसी बात का दुख है ही नहीं। मानव जीवन कैसे सफल बने वह है ज्ञान की बात, और ज्ञान मिलता है आपके महापुरुषों के चरणों में बैठने से, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान अपने परिवार से शुरू होता है, माताएं ज्ञान दे देती, बालक होनहार बन जाता है। ये मनुष्य जीवन है, ये नारायण का रूप है, इसको कैसे बनाएंगे हम नारायण का रूप। कहते हैं नर और नारायण में कोई फर्क नहीं है, तो फिर हम नारायण बन के दिखावे, अपने कर्मों से दिखावे, अपने भावों से दिखावे, अपने विचारों से दिखावे, सेवा से दिखावे, बोल के दिखावे। बोलने पर पता चलता है कि यह आदमी है या कोई जानवर है। बोली का सो सबसे बड़ी बात है कि कपड़े पहनने से, आपके सोना जेवर पहनने से, अच्छे माँ गाड़ियों में बैठने से वो इंसान नहीं हो जाता। इंसान वो है बोलने पर पता चलता है, परख करता आदमी कि यह आदमी है या देवता है या राक्षस है। आदमी 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें तो आपके मनुष्य तो बना दिया परमात्मा ने, लेकिन आप अपने कर्मों से क्या हम ईश्वर के तुल्य बन सकते हैं? अगर हम अच्छे शुभ कर्म कर लें तो बेशक हम ईश्वर तुल्य बन जाते हैं। आप कर्णपुर जी महाराज की बात सुनिए, और हम देख रहे हैं, नमन कर रहे हैं, ये पुरुष नहीं है, महापुरुष हुए। और महापुरुष वो होता है जो भगवान का रूप होता है, जो गलत रास्ते जो चलता है उसको सही रास्ते पे लावे वो महापुरुष है। जिसका अज्ञान छुटावे वो महापुरुष है। जो खुद पहले अपने आप का अज्ञान मिटा लेवे वो ज्ञानी है। जो खुद के पास ही नहीं है देने को तो वो क्या देगा लोगों को? इसलिए ये संत महात्मा अपने जीवन को तपाते हैं। ये आपके ज्ञान की गंगा है। ज्ञान की गंगा के अंदर यहां आने के बाद कोई आदमी बार बार दवाई लेवे और भी दवाई को कोई असर ही न हो, जब भी दवाई को कई फायदो भाई, आदमी ने सोचना चाहगा दवाई ले जा मारा तो पिया भरी फर्क न पड़ियो, तो सोते ही कहते भाई दवाई ने फिर पाओ आ दवाई मारा न चाहे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम आते हैं अज्ञान को छोड़ने के लिए, और यहाँ पर सत्संग पहले क्या कहा, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम, तिरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। माता बहनों भाइयों, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना एक श्वास भी ऐसी सत्संग में बिता रहे हैं। अगर आदमी जो आलोचना करता है, बुराइयां करता है, झूठ बोलता है, उसके पास कभी मैं क्या कहा है, संगत से, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात, और संगत के प्रताप से काग हंस हो जाता।
आप संगति में श्रेष्ठ करें, आप मानव नहीं, आप ईश्वर बन जाओगे, देवता बन जाओगे, लेकिन आपकी संगत श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर आप संगत ने श्रेष्ठ बना ली तो आपका सारा ही जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो गलत बोलेगा ही नहीं, कभी सुनेगा ही नहीं, वो कभी देखेगा ही नहीं। तो यही तो भगवान करता है, भगवान लोगों का भला करता है, तो भला करने की बात ही सीख रहे हैं, और भला हमें करना चाहिए। एक ही बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी संगत श्रेष्ठ हो, महापुरुषों के बीच में हो और भलाई करें। पहले क्या एक बात लास्ट कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। संसार में दो बात है, 18 पुराण पढ़ लो, उसमें दो ही बातें कही है। क्या कहा है? चार वेद छह शास्त्र में बातें लिखी है दो, और वो बातें कौन सी है? अरे भाई, सुख देते सुख होत है और दुख देते दुख होत। अगर आपने सुख दे दिया तो आपको सुख मिलेगा, अगर दुख दे दिया तो दुख तैयार है। इसीलिए भलाई करो जीवन में, ये पल भर का भरोसा नहीं है। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। अगर हम श्वास भी ले रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से ले रहे हैं, आपका पता ही नहीं चलता है कि हम कब कहां चले गए। अभी बोल रहा था, अरे अभी कभी तो ये, तो इसका मतलब है कि आपका एक श्वास भी भलाई में जाना चाहिए, अच्छाई में जाना चाहिए, चाहे वो परिवार की करे, गांव की करे, जाति बिरादरी की करे, संतों की सेवा करे, तो उसमें आपका जीवन बिता लेता है, तो वो व्यक्ति महान बन जाता। पुनः आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, गाँव वालों के लिए कामना करता हूं कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा आनंद हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।